हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे जो टीवी देख सकते हैं एलजी का टीवी है। प्रॉब्लम की बात करूँ तो लाइन देने पे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब स्क्रीन जो है पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे मैंने टीवी को ओपन करके रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो बोर्ड है एलजी का ओरिजिनल बोर्ड है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ डैमेज लग रहा है उसको चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चेक किया, यहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ ताकि आप भी समझ सके कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे चलिए मैं लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद यहाँ पर आपको एक साउंड सुनने को मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको वो साउंड सुनाई दे रहा होगा जो मैं यहाँ पे सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे टिक 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 करके आपको एक आवाज़ मिल रहा था। अगर ऐसी आवाज़ आता है, टिक टिक करके आवाज़ आता है कोई भी टीवी में, कोई सा भी ब्रांड का हो, अगर डेड कंडीशन में पड़ा है और टिक टिक करके आवाज़ आ रहा है लाइन देने पर, तो इसमें जो है 80% होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर होता है वो ख़राब होने का, और 20% चांस होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम और कुछ होने का। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ क्या मेरा ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को पलट लिया है। पलटने के बाद यहाँ पे जो है मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ जो हमारा ट्रांजिस्टर है क्या ये सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर लगा होता है ये जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन है और यहीं पर हमारा वो वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो चले इसको मल्टीमीटर से मैं चेक करता हूँ। तो इस मल्टीमीटर को मैं रखूँगा कॉन्टीन्यूटी रेंज में और ये जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सके। तो चले इसको मैं चेक करता हूँ। चेक करने के लिए आपको तीन लेग वहाँ पर होता है ट्रांजिस्टर का, तो तीनों लेग पर आपको इस मल्टीमीटर से बारी बारी हेर फेर के चेक करना होता है। तो चलिए यहाँ पर एक लेग पर मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्टिंग का रीडिंग दिखा रहा है, बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग का रीडिंग मिल रहा है। तो ये जो है बोर्ड में लगे लगे शॉर्टिंग बता रहा है, इसको बाहर निकालेंगे तभी हम 100% बोल सकते हैं कि ये जो है ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रांजिस्टर आपका सही होता है, आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कहीं शॉर्टिंग होता है जिसके कारण आपका जो ये ट्रांजिस्टर है बोर्ड में आपको शॉर्टिंग बताता है, बट निकाल के चेक करते हैं तो आपका सही होता है। इसलिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए बाहर निकाल के चेक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं D2499 इसका नंबर है। इस नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है ये ज़्यादातर आपको LG TV में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको अब चेक करते हैं मल्टीमीटर से क्या ये जो है सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना होता है। तो ये दोनों प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ रीडिंग दे रहा है, ये जो है सही रीडिंग है। बट यहाँ पे लगाएं तो ये भी सही है, यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग का रीडिंग मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बीप शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पर दिखाई तो दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ तो ये जो है सही है और ये वाला लेग में यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। तो ये जो है ट्रांजिस्टर ख़राब है। एक चीज़ आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लाइन को देने पे अगर आपका ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो जो मेरा लाइन पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पे जो है LED ब्लिंक नहीं कर रहा था, वो LED अभी ब्लिंक करेगा जो मेरा है ऑन होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लाइन दिया है, ये जो LED है ब्लिंक किया है, अभी जो सेट है ऑन कंडीशन में है। बट पहले क्या था, वो ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा हुआ था और वो शॉर्टिंग के चलते जो हमारा वोल्टेज है ड्रॉप कर रहा था और टिक टिक करके आवाज़ आ रहा था, और ये जो ब्लिंक है ब्लिंक भी नहीं कर रहा था और टीवी ऑन भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा टीवी से एक ट्रांजिस्टर को मैंने निकाल के रखा है, सेम नंबर है। यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आप भी देख सकें कि कैसे रीडिंग देता है अगर आपका सही ट्रांजिस्टर होता है तो। और इसे चेक करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ हूं और दूसरे बोर्ड से। तो यहां पे देखिए तो कुछ ऐसा रीडिंग है, यहां पे देखिए तो इधर से रीडिंग नहीं बताएगा, इसको पलट के चेक करना होता है। एक तरफ से बताता है, एक तरफ से नहीं बताता है, जैसे हमारा डायोड चेक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला रीडिंग भी सही है, यहाँ पर जो है इस कंडीशन में सही माना जाएगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं।
गाइज यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज था, यहाँ पे मैंने जो है चेंज कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा डस्ट है तो इसको हम क्लीन भी कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो थोड़ा वो जो है डस्ट हो जाता है पेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे मैं पेट्रोल से इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे सीरीज में लगाया, टीवी मेरा ऑन होने का कंडीशन में आ गया है। तो चलिए इसको मेन में लगाते हैं और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रंट में, जो हमारा स्क्रीन है आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फ्रंट में और यहाँ पे मैंने टीवी को ऑन भी कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा रास्टर है, रास्टर आ गया है और ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया है। चलिए इसको एवी मोड में लगाता हूँ, देखते हैं पिक्चर भी आता है या नहीं आता। यहाँ पे मैंने एवी में सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो पिक्चर का है साउंड भी आ चुका है, सब कुछ भी। अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो चले गए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट यहाँ पर मिलता रहता है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।